आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत, कितने कम सर्फ आदमी निकले तुम। हेलो, खैरियत तो है ना? खैरियत है। तुम प्लीज अपनी मामा को बोलो कि जल्दी मेरे घर आए। क्यों, कोई गड़बड़ हुई है क्या? वो साथ ने हमें साथ देख लिया। देखा, मैंने कहा था तुम्हें, मुझे डाउट था हमें किसी ने साथ देख लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन जो अभी मैं कह रही हूँ वो सुन लो ना, अपनी मम्मी को बोलो कि प्लीज जल्दी मेरे घर आए। ये साथ जो है वही है ना जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है? हाँ, लेकिन हसन मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। और तुम्हें किसने बताई ये बात? जारा ने बताया था। अच्छा मुझे बताओ प्लीज कि कब आ रहे हो तुम घर? मैं उनसे कल बात करूंगा। आज क्यों नहीं? आज मुझे शूट पे जाना है, मैं उनसे कल ही बात कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तुम आज रात अपनी मम्मी से बात कर लो कि वो आ जाए मेरे घर। मीरा, ऐसे फैसले इतनी जल्दी में नहीं किए जाते। क्यों नहीं होते? मतलब उनसे बात करने के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ेगा ना, ऐसी जाके थोड़ी मैं बात कर सकता हूँ उनसे। हसन, उन्हें कोई एतराज होगा? उन्हें एतराज नहीं होगा बीरा, लेकिन यू नो हाउ मदर्स आर, मैं जाके ऐसी किसी लड़की का नाम ले दूं तो बहुत बुरा रिएक्ट करेंगे उस पर। माय गॉड, यू आर सो टिपिकल हसन। तुम बहुत जिद्दी हो, इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं किए जाते। जानती हूँ मैं। जानती हो तो फिर थोड़े दिन सब्र कर लो ना। हाँ सबर कर लूं ताकि मामा मुझे साथ के साथ रुखसत कर दे। उफ़ अबीरा, तुम ये बात बार बार कहना बंद करोगी? इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा, तुम प्लीज परेशान नहीं हो। आपका फोन आ रहा है। हाँ? फोन आ रहा है। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? क्या मुसीबत है? हाँ हेलो, कहाँ हैं आप? ये पूछने के लिए फोन किया है इस वक्त? हाँ ना, बताइए तो सही। फार्म हाउस पे हूँ। क्या आफत आ पड़ी है? आफत ही आ पड़ी है। हुआ क्या है बताओ? हमने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। आपके ख्वाबों का कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं इस वक्त, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हद है। औरतें भी अजीब होती हैं, शोर पास में ना हो तो बुरे ख्वाब आने लगते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तो क्या तुम्हें भी बुरे ख्वाब आए? फजूल की बातें। काम सोंगी तब